हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल रोहित महरोड़। दोस्तों, आज हम नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उससे पिछली वीडियो में हमने नाइट्रो एल्केन का इंट्रोडक्शन और उसके बनाने की विधि पढ़ी थी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और नाइट्रो एल्केन के सबसे पहले इसके एसिडिक नेचर पढ़ते हैं, अम्लीय गुण। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं, वह क्षार में विलय होते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है 1 डिग्री, ये अपना 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। जो NO2 समूह है इसका माइनस आई इफेक्ट हो रहा है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से इसका लवण प्राप्त होता है हमें। और जो टू टू डिग्री नाइट्रो एल्केन, इतना 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, इसमें भी जो NO2 समूह है इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इसका ये लवण प्राप्त होता है और जल का अणु बाहर चल जाता है यहाँ से, यहाँ से भी H2-। जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, इस कारण ये अम्लीय गुण नहीं दर्शाते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो ये नो रिएक्शन, यानी इस पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही। यहाँ पर जो NO2 समूह का उसका माइनस इफेक्ट लग रहा है, आपको बताया था इसका भी। तो नाइट्रो एल्केन अम्लीय गुण निम्न कारणों से दर्शाते हैं, जो उसका कारण है उसमें सबसे पहला कारण है कि NO2 समूह का माइनस आई प्रभाव, जहाँ पर जो NO2 समूह है उसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। और दूसरा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन से प्राप्त कार्बन ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। जो अल्फा हाइड्रोजन के निष्कासन से जो कार्बन ऋणायन प्राप्त होता है वह अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो इसका जो कार्बन ऋणायन है, तो इसको पहले यहाँ से लोन पेयर के ऊपर, तो यहाँ डालेगा डबल बोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये अपना कार्बन ऋणायन है तो ये अधिक स्थायी है, इसमें अनुनाद पाया जाता है। तो नंबर 2, नाइट्रो एल्केनों में चलावयवता, यानी टोटोमेरिज्म ऑफ नाइट्रो एल्केन। 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण ये चलावयवता दर्शाते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर डालेगा तो टोटोमेरिज्म द्वारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये इसकी नाइट्रो फॉर्म है और ये ऐसी फॉर्म प्राप्त होती है। ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इसमें भी वही कंडीशन होगी, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणता परमाणु है तो ये OH, ऐसी फॉर्म प्राप्त हो गई। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इस कारण यह चलावयवता नहीं दर्शाता है। तो 3 डिग्री उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने के कारण चलावयवता नहीं दर्शाता है। अब नंबर 3, इसका एलोजनीकरण। जो 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केनों में की क्षार की उपस्थिति में एलोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर एलो नाइट्रो एल्केन बनते हैं, ये अपना 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ एनो क्षार की उपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ पर इसकी ब्रोमो नाइट्रो एल्केन की प्राप्ति होती है। इसके फिर से दोबारा दूसरा अणु काम में लेते हैं इसकी, ये अपना 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की भी Br2 के साथ NOH की उपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ पर भी ये भी इसका अणु प्राप्त होता है। अब इसकी HONUT के साथ क्रिया से, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत बार रिएक्शन पूछी जाती है। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन NO2 के साथ अभिक्रिया से नाइट्रोलिक अम्ल बनाते हैं जो NOCl के साथ लाल रंग देते हैं, और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ अभिक्रिया से छद्म नाइट्रोल बनाते हैं जो NH के साथ नीला रंग देते हैं, और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते क्योंकि उसमें तो वो रहता ही नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया होती है वो देख लो, ये अपना 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इसकी HNO2 के साथ अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से H2O बाहर जाएगा और फिर यहाँ से NHOS, तो ये अपना रेड रंग प्राप्त होता है यहाँ पर इसका। ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन,
यहाँ से H2O बाहर जाएगा और फिर वही ब्लू रंग यहाँ पर ब्लू रंग पर, और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है वो कलरलेस होता है, नो रिएक्शन होती है यहाँ पर, रिएक्शन नहीं होती इसकी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।